सब्सक्राइब करिए नागपुरी स्वाद चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट फूड वीडियोस देखने के लिए। हेलो फूडीज, आपका स्वागत है हमारे चैनल नागपुरी स्वाद में, जहां पे आपको मिलते हैं वेरियस फूड कंपैरिजन वीडियोस बिटवीन वेरियस रेस्टोरेंट्स ऑफ नागपुर, और उसी के साथ साथ मिलते हैं वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड के वीडियोस। तो दोस्तों, आज जो हमने दो पार्सल्स मंगाए हुए हैं, तो एक जो मंगाया हुआ है वो है बब्बू गैलेक्सी रेस्टोरेंट, जो कि है सदर छावनी में, और एक जो पैकेज हमने मंगाया है वो है अशोका रेस्टोरेंट, जो कि है सदर में। तो आज हम ये दो रेस्टोरेंट का जो बटर चिकन है उसका कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले जो बब्बू गैलेक्सी रेस्टोरेंट है उससे जो पार्सल आया हुआ है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इन्होंने पार्सल भेजा है तो क्या क्या चीज़ें भेजी है। तो इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो आप एक कंटेनर भेजा हुआ है। तो हमने ये जो पोर्शन मंगाया हुआ है ये हाफ़ पोर्शन मंगाया हुआ है। साथ ही में इन्होंने यहाँ जो हमें भेजा हुआ है वो है मठा, या आप रायता भी कह सकते हो, और उसी के साथ इन्होंने यहाँ भेजी हुई है प्याज और नींबू। तो दोस्तों, ये रहा जो बब्बू रेस्टोरेंट का जो पैकेज है वो हमें मिला है। अब चलिए देखते हैं अशोका रेस्टोरेंट ने जो हमें पार्सल भेजा हुआ है उसमें क्या क्या है। तो दोस्तों, ये रहा बटर चिकन जो कि अशोका रेस्टोरेंट का, वो ये भी हमने हाफ पोर्शन मंगाया हुआ है, और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने प्याज और नींबू भी भेजा हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा अशोका रेस्टोरेंट का जो बटर चिकन है उसका पैकेज, और ये रहा बब्बू गैलेक्सी का जो बटर चिकन है उसका पैकेज। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए क्वान्टिटी वाइज किस रेस्टोरेंट ने आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फूड आइटम है वो भेजा हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने जो बब्बू गैलेक्सी रेस्टोरेंट से हमने जो बोनलेस बटर चिकन का जो ऑर्डर मंगाया है वो, तो आप देख सकते हो कितना डिलीशियस दिख रहा है। साथ ही में इनके जो चिकन के इन्होंने जो पीसेस की क्वांटिटी है वो काफी यहाँ पे इन्होंने भेजी हुई है, तो देखने में तो एक काफी लाजवाब सा लग रहा है। और ये रहा आपके सामने जो अशोका रेस्टोरेंट से हमने जो बटर चिकन ऑर्डर किया है वो, तो यहाँ पे थोड़ा इन्होंने जो चिकन के जो पीसेस है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो बब्बू रेस्टोरेंट का जो इन्होंने चिकन क्वांटिटी सेंड की है उसके कंपेरिजन में ये जो अशोका रेस्टोरेंट ने जो चिकन के जो पीसेस भेजे है वो थोड़े कम लग रहे हैं, और इनकी जो ग्रेवी है थोड़ी ऑरेंज सी लग रही है। और वहीं अगर बात करें बब्बू रेस्टोरेंट की जो ग्रेवी है वो थोड़ी रेडिश सी लग रही है, तो आप देख सकते हो दोनों को। चलिए इनको जल्दी से टेस्ट करते हैं, आपको इनका टेस्ट बताते हैं। तो सबसे पहले हम जो बब्बू रेस्टोरेंट का बटर चिकन है उसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए, इनका ये जो चिकन का पीस है उसके साथ ग्रेवी खा के देखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो टेस्ट है हल्का सा खट्टा सा आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने जो टमाटर का यूज़ किया है ग्रेवी बनाने के लिए, आई थिंक वो ज़्यादा किया हुआ है, इसलिए हल्की सी खटास लग रही है इनके बटर चिकन में। साथ ही में थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी लग रहा है। तो मसाले जो इन्होंने यहाँ यूज़ किए थोड़ा ज़्यादा किए हुए हैं, थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर लाने के लिए। अब चलिए, जो अशोका रेस्टोरेंट का बटर चिकन हमने मंगाया हुआ है उसे टेस्ट करते हैं। एक बाइट और लेंगे। तो दोस्तों, इसका टेस्ट काफी लाजवाब है कंपेयर टू जो बब्बू रेस्टोरेंट का बटर चिकन है उसके कंपैरिजन में।
इसकी जो ग्रेवी है काफ़ी सी आप खुद देख सकते हो, जैसा कि हमने पहले बताया काफ़ी रिच ग्रेवी है, और इसका जो टेस्ट है वो हल्का सा मीठा हल्का सा स्पाइसी यानी बिल्कुल ही बैलेंस है जैसा कि नॉर्मली बटर चिकन का होता है। तो दोस्तों अगर आज समराइज़ करें इस वीडियो को तो टेस्ट के लिए मैं पॉइंट देना चाहूँगा अशोका रेस्टोरेंट का जो बटर चिकन है उसे, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो टिपिकल बटर चिकन का जैसा होना चाहिए वैसा ही है। इसकी जो ग्रेवी है वो काफ़ी रिच ग्रेवी है। और अगर बात करें बब्बू रेस्टोरेंट का जो बटर चिकन है उसकी, तो यहाँ पर इन्होंने क्वान्टिटी तो बहुत दी है बट टेस्ट में जो हल्की सी खटास लग रही है टमाटर प्यूरी की, तो अगर ये उसे थोड़ा सा लाइट कर दे तो इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा सा निखर जाएगा, क्योंकि इसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से मसालों का यूज़ किया हुआ है। और अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो ये डिश बिल्कुल ही आपके लिए है। बस इसमें जो हल्की सी खटास है उसे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी डिश अच्छी लगी। तो दोस्तों हमारी जो प्रीवियस फूड कंपैरिजन वीडियो है उसे देखना ना भूले, उसकी जो प्लेलिस्ट है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है आप हमारे वीडियोज़ तो ज़रूर देखते हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।